हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो फार्माको थेरेप्यूटिक इन ऑब्स्टेट्रिक पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं, एनाल्जेसिक एंड एनेस्थीसिया इन ऑब्स्टेट्रिक। तो सबसे पहले हैं सेडेटिव्स एंड एनाल्जेसिक। इसमें कौन कौन सी ड्रग दी जाती है? ओपियोइड, एनाल्जेसिक्स एंड पैथिडीन। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये इट इज़ इनहिबिट असेंडिंग पेन पाथवे इन CNS एंड इंक्रीज पेन थ्रेशहोल्ड एंड अल्टर्स पेन परसेप्शन। ओके, और इनका इंडिकेशन होता है मॉडरेट टू सीवियर पेन इन लेबर। ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर पेन लेबर के दौरान हो रहा है तो उसमें देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली पेन हो तो उसमें देते हैं अब्रप्शन प्लेसेंटा एंड पल्मोनरी इडेमा में देते हैं। उसके बाद में डोज, डोज में क्या करते हैं? इंजेक्टेबल प्रिपरेशन कंटेनिंग 50 mg/ml कैन बी एडमिनिस्ट सबक्यूट IM एंड IV। ओके, तो 50 mg/ml इसको देते हैं सबक्यूट या IM या IV इसको देते हैं। इट डोज इज 50 to 100 mg IM कम्बाइंड विद प्रोमेथाजिन। ओके, उसके बाद में पैथिडीन, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके पैथिडीन के? शुड नॉट यूज IV विद 2 hours। ठीक है, विद इन 2 hours एंड IM विद इन 3 hours ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक, मतलब डिलीवरी से 2 घंटे पहले या फिर 3 घंटे पहले इसको ही देना चाहिए, और विद इन 2 hours IV और विद इन 3 hours IM इसको नहीं देना चाहिए डिलीवरी से पहले, और फॉर फियर ऑफ बर्थ आस्फिक्सिया, क्योंकि उसकी वजह से बर्थ आस्फिक्सिया हो सकता है। ठीक है, इट शुड नॉट बी यूज इन से केसेस ऑफ प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर में इसका यूज़ नहीं करते एंड व्हेन रेस्पिरेटरी रिजर्व ऑफ मदर इज रिड्यूस। ओके, उसके बाद में साइड इफेक्ट इसके क्या है? मैटरनल में साइड इफेक्ट क्या है? ड्राउजीनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, सेडेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद में फीटल इसके साइड इफेक्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड आस्फिक्सिया। इसके बाद में इसके कुछ नर्सिंग कंसीडरेशन होते हैं, जैसे कि पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, उसका यूरिन आउटपुट असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अगर यूरिन रिटेंशन है तो मतलब यूरिन रिटेंशन हो सकता है इसकी वजह से, तो यूरिन आउटपुट चेक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसे करते हैं? विद एंटी इमेटिंग प्रोमेथाजिन टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, वेन पेन इज स्टार्टिंग टू रिटर्न, डिटरमाइन डोजेस इंटरवेल बाई पेशेंट रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद में प्रोवाइड स्टोरेज ऑफ ड्रग इन लाइट। ओके, और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, जो लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर है उनमें और रूम टेम्परेचर पे उनमें इस ड्रग को स्टोर किया जाता है, और असिस्टेंट विद एम्बुलेशन टू द वुमेन। ठीक है, उसके बाद में ये ड्रग देने के बाद में वुमेन के साथ में एक असिस्टेंट होना आवश्यक है। उसके बाद में सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हो सकती है? साइड रेल्स लगानी है पेशेंट को, नाइट है ना, नाइट लाइट, और कॉल बेल लगाना है विद इजी रीच फॉर वुमेन। ठीक, इवैल्यूएट करना है थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स टू डिक्रीज पेन, CNS चेंजेस, डिजीनेस, डोजीनेस, यूफोरिया या फिर एलर्जिक रिएक्शन, रेसेस या यूर्टिकेरिया चेक करना है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखना है, इन्फॉर्म डॉक्टर्स इफ नेसेसरी, रेट लेस देन 12 per minute। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना है टू उसके जो CNS चेंजेस आएंगे, एलर्जिक कोई रिएक्शन होगा इस ड्रग की वजह से, उन सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद में फेंटानिल, तो फेंटानिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनहिबिट्स असेंडिंग पाथवे इन CNS, इंक्रीज पेन थ्रेशहोल्ड एंड अल्टर्स पेन प्रिपरेशन पेन परसेप्शन। ठीक है, जो असेंडिंग पाथवे होता है पेन का उसको इनहिबिट करता है और पेन को रिड्यूस करने में काम करता है। ठीक है, और जो पेन का परसेप्शन होना है उसको अल्टर कर देता है। उसके बाद में इसके इंडिकेशन, मॉडरेट टू सीवियर पेन इन लेबर। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली पेन इज एडजेंट टू जनरल एनेस्थीसिया। उसके बाद में इसकी डोज, तो डोज में 0.05 to 0.1 mg IM इसको देते हैं। ठीक है, 1 to 2 hours PRN अवेलेबल इन इंजेक्टेबल फॉर 0.05 mg/ml। ओके,
इसके साइड इफेक्ट क्या है? डिजीनेस, डिलीरियम, यूफोरिया, नोजिया, वोमिटिंग, मसल्स रिजिडिटी एंड ब्लर्ड विजन। इसका नर्सिंग कंसिडरेशन है कि वाइटल साइंस चेक करना है, पल्स बीपी रेस्पिरेशन लेना है पेशेंट का, मसल्स अगर रिजिडिटी है तो वो नोट करनी है, ठीक है। एंड और इसका प्रोवाइड इसको मतलब इस ड्रग, ये जो ड्रग है उसको लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको स्टोरेज करना है, रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करना है, और कफिंग, टर्निंग एंड डीप ब्रीथिंग फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए, और सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, साइड रेल्स, ठीक है, कॉल बेल्स वगैरह, ये सब सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, और इवैल्यूएट करना है फॉर डिजीनेस, ड्रोजीनेस, हेलुसिनेशंस, यूफोरिया, पीपल रिएक्शन के लिए, और कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, एलर्जीज यूटिकेरिया हो रही है तो उसके लिए देखना है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और पेशेंट को कोई और सीएनएस चेंजेस हो रहे हैं या कोई एलर्जिक रिएक्शन और हो रही है तो उसके लिए उसको एजुकेट करना है। उसके बाद में है पेंटाकोजिन, ठीक है, इसकी डोज है 30-40 mg, ठीक है। नेलोक्सोन इज एन एफिशिएंट एंड रिलायबल एंटागोनिस्ट, इसका नेलोक्सोन एंटागोनिस्ट होता है। उसके बाद में एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होता है? न्यूरोनेट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सेकेंडरी टू ए मेडिकेशन अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड अफेक्टिंग द फीटस, ठीक है। सेकेंड इज अनस्टेडी एम्बुलेशन ऑफ पेशेंट। थर्ड है इनहिबिशन ऑफ द मदर एबिलिटी टू कोप विद द पेन ऑफ लेबर। उसके बाद में ट्रैंकुलाइजर्स, ट्रैंकुलाइजर्स में सबसे पहले डाइजेपाम, यूजुअली डोज इसकी कितनी देते हैं? 5-10 mg। मिडाजोलाम देते हैं, डोज 0.05 mg पर kg इज गिवन IV, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ नार्कोटिक्स एंड ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है, और बुडोप्रोफेनोल एंड नालबुफिन भी इसमें दे सकते हैं। उसके बाद में इनहेलेशंस मेथड कौन कौन से होते हैं एनाल्जेसिक के लिए? तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड एयर, ठीक है, और प्री मिक्स नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजनेशन। थर्ड ट्राइक्लोरो इथेनॉल इथिलीन। फोर्थ मिथो जाइलो जाइल फ्लोरेंस एंड आइसो फ्लोरेंस एंड इन फ्लोरेंस। उसके बाद में एपिडूरल एंड स्पाइनल रीजन एनाल्जेसिक, ठीक है। उसके इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं? नोजिया, वोमिटिंग करते हैं ये एपिडूरल और स्पाइनल रीजन एनाल्जेसिक, और इनहिबिशन ऑफ बोवल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन सेंसेशन करते हैं, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकीकार्डिया करते हैं, हाइपोटेंशन करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन या प्रूराइटिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्पाइनल ब्लॉक। स्पाइनल ब्लॉक्स में क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्टेड इन सब एरेक्नोइड स्पेस इन टू स्पाइनल फ्लूइड। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लंबर वर्टेब्रा होती है उसमें थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ लंबर वर्टेब्रल स्पेस होता है, उसके बीच में जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है उनके अंदर जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है उनको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। या तो अकेले इंजेक्ट होते हैं लोकल एनेस्थेटिक या फिर कॉम्बिनेशन इंजेक्ट होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी इंजेक्ट होता है, सच एज फेंटानिल। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं? मैटरनल हाइपोटेंशन हो सकता है, फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, लॉस ऑफ ब्रीडिंग डाउन रिफ्लेक्स। उसके बाद में पुडेंटल ब्लॉक। पुडेंटल ब्लॉक भी एक एंटी एक एनाल्जेसिक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक सच एज लिडोकेन, जाइलोकेन, ठीक है, आइबुवोकेन, मिरकेन बींग एडमिनिस्टर ट्रांसवेजाइनली इन टू द स्पेस इन फ्रंट ऑफ पुडेंटल नर्व, ठीक है। ट्रांसवेजाइनली इनको इंसर्ट किया जाता है जो कि पुडेंटल नर्व के फ्रंट में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसकी वजह से पुडेंटल ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद में पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक में होता है इट कंसिस्ट ऑफ लिडोकेन जाइलोकेन बींग इंजेक्टेड इन टू सर्वाइकल म्यूकोजा इन लेबर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज टू ब्लॉक द पेन यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। पैरा सर्वाइकल सर्विक्स में ये लिडोकेन या जाइलोकेन इंसर्ट की जाती है, ठीक है,
उसके बाद में इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इम्प्रॉपर टेक्निक एंड रिजल्ट सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसके बाद में एपिडूरल एनेस्थीसिया, एपिडूरल एनेस्थीसिया क्या होता है, एपिडूरल ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ए लोकल एनेस्थीसिया, बुविवोकेन, मिरकेन अलोंग विद एन एनाल्जेसिक मॉर्फिन, ठीक है, और फेंटानिल इंजेक्टेड इनटू द एपिडूरल स्पेस एट द लेवल ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ वर्टिब्रा, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, मैटरनल हाइपोटेंशन, फीटल ब्रेडिकार्डिया, इनएबिलिटी टू फील अर्ज टू वॉइड एंड लॉस ऑफ बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स। उसके बाद में जनरल एनेस्थीसिया, तो जनरल एनेस्थीसिया जब कोई मेजर सर्जरी होती है बॉडी की तो उस दौरान किया जाता है, मतलब सीजेरियन सेक्शन वगैरह में इसको कर सकते हैं। जैसे 100% ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड बाय टाइट मास्क फिट फॉर मोर देन 3 मिनट, ठीक है। 100% ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है जनरल एनेस्थीसिया के दौरान। उसके बाद में इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इज डन विद इंजेक्शन ऑफ थियोपेंटोन सोडियम 200 and 250 mg एज ए 2.5% सोल्यूशन IV, ओके, फॉलोड बाय रेफ्रिजरेटर जो सुक्से मेथोनियम 100 mg, ठीक है। उसके बाद में है फीटल हैजार्ड्स ऑन मैटरनल मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीटल हैजार्ड्स क्या क्या होते हैं, फीटल हैजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जब मदर को मेडिकेशन दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस दौर मैकेनिज्म ऑफ टेराटोजेनिसिटी क्या होती है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण अपोक्सिड्स ऑफ एरिना ऑक्सिड्स, इन्वायरमेंटल एंड जीन्स एबनॉर्मेलिटीज एंड मैटरनल डिजीज एंड ड्रग्स एंड होमबॉक्स जीन्स, ओके। उसके बाद में मैटरनल फीटल ड्रग ट्रांसफ़र एंड द हैजार्ड्स, अगर मदर तो फीटल ड्रग का ट्रांसफ़र होता है तो उससे क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं, तो अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड डे 31 से पहले अगर किसी ड्रग का ट्रांसफ़र होता है मदर टू फीटस में, तो टेराटोजन प्रोड्यूस इन ऑल द नॉन इफेक्ट, मतलब टेराटोजन प्रोड्यूस, मतलब जो टेराटोजन्स है वो ज़्यादा इफेक्ट भी दिखा सकते हैं, सभी इफेक्ट दिखा सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई इफेक्ट ना दिखाएं। उसके बाद में डे 31 से डे 71 तक अगर कोई ड्रग ट्रांसफ़र हो रही है तो उस दौरान इट इज़ क्रिटिकल पीरियड फॉर ऑर्गन फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इस दौरान फीटल के ब्लड ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहे होते हैं तो उस दौरान क्रिटिकल पीरियड हो सकता है अगर फीटस को वो नुकसान पहुँचाए तो ड्रग। उसके बाद में आफ्टर डे 71 द डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद में प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ ड्रग द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर आर, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ट्रांसफ़र के लिए हो सकते हैं, मोलिकुलर वेट मोर देन 1000 टू डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, मतलब जो ड्रग्स का मोलिकुलर वेट है वो मोर देन 1000 है तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग्स, ठीक है, और लिक्विड सोल्यूबिलिटी एंड यूटेरो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो एंड प्लेसेंटल सोल्यूबिलिटी, इन सब के कारण प्लेसेंटल ट्रांसफ़र फिटर जो ये फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसके बाद में कुछ कैटेगरीज दी गई हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग, मतलब कौन कौन सी ड्रग है जो कौन कौन सी कैटेगरीज में रखी गई हैं और उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है फिटस में। तो कैटेगरी ए में जो होती हैं वो उसमें क्या होता है कि एडिक्वेट स्टडी इन प्रेग्नेंट वुमेन हैव फेलियर टू शो, मतलब इसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन पर इन ड्रग्स की स्टडी की हुई होती है जो कि कोई फीटस को कोई रिस्क नहीं पहुंचाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, और नो एविडेंस रिस्क इन लास्ट ट्राइमेस्टर, और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी कोई रिस्क नहीं होता है, जैसे कि थायराइड हॉर्मोन्स का, ठीक है, तो थायराइड हॉर्मोन सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में। कैटेगरी बी में रखा गया है एनिमल स्टडी हैव शो एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस,
ठीक है। एनिमल स्टडी में देखा गया है कि फिटस पे एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, बट देर आर नो एडिक्वेट स्टडी इन ह्यूमंस पे, कोई एडिक्वेट स्टडी नहीं है। प्रेगनेंसी रिस्क इज अनकॉमन अननोन, अगर प्रेगनेंसी रिस्क अननोन है इसमें, मतलब हो भी सकता है नहीं भी, जैसे कि एग्जाम्पल इन ड्रग्स कैसे हो सकते हैं, मतलब क्या 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 एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसी कैटेगरी का, तो इंसुलिन। कैटेगरी सी, सी कैटेगरी में क्या आता है, एनिमल स्टडी हैव शो एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस। एनिमल स्टडी में देखा गया कि फीटस पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, बट देर इज नो एडिक्वेट स्टडी इन ह्यूमंस पे, कोई एडिक्वेट स्टडी नहीं है। देर आर नो एडिक्वेट स्टडी इन ह्यूमंस और एनिमल्स, प्रेगनेंट रिस्क इज अननोन, तो इसमें भी वही है, प्रेगनेंट रिस्क अननोन होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कैटेगरी डी, उसके बाद में कैटेगरी डी है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एविडेंस होते हैं ह्यूमन फीटस के रिस्क के बस, बट पोटेंशियल बेनिफिट टू यूज इन प्रेग्नेंट वुमन, बट प्रेग्नेंट वुमेन में यूज करने के पोटेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि लिथियम एसीटेट। और उसके बाद में है कैटेगरी एक्स, तो स्टडी एनिमल्स, तो इसमें क्या होता है, इन ह्यूमन एंड एनिमल दोनों की स्टडी में ये फीटल एबनॉर्मलिटी को शो करता है, एडवर्स रिएक्शन करता है, ठीक है, ये सी ड्रग्स, ठीक है, जो कि फीटल फीटल रिस्क, जिसकी वजह से फीटल रिस्क होता है। तो ऐसी ऐसी इस कैटेगरी का एग्जांपल है आइसोट्रेटिनोइन, ठीक है। उसके बाद में टेराटोजेनिक इफेक्ट, तो टेराटोजेनिक इफेक्ट में है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल, डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल में क्या होता है, ये जो ड्रग्स होती है इनके टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या पड़ते हैं, मल्टीपल फीटल एनोमली, मालफॉर्मेशन हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, वेजाइनल एडिनोसिस हो सकता है, सर्वाइकल हुड, सर्वाइकल हाइपोप्लेसिया और फीमेल ऑफस्प्रिंग हो सकती है। और दूसरी ड्रग्स हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, इसमें क्या होता है, मस्कुलाइनाइजिंग ऑफ फीमेल ऑफ स्प्रिंग। थर्ड है लिथियम, तो लिथियम में कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज, नियोनेटल गोइटर, हाइपोटोनिया एंड साइनोसिस, ठीक है। उसके बाद में एंटी कन्वल्जेंस फिनाइटोइन, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ट्रीटमेंट आउटवेट और रिस्क टू द फीटस, पॉलीथेरेपी शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। वालप्रोइट में क्या है, तो वालप्रोइट की इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड नियोनेटल ब्लीडिंग करता है वालप्रोइट, ठीक है। एस्पिरिन, तो एस्पिरिन में इन हाई डोज इज लास्ट फ्यू वीक कॉज प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कर्निक टेरस इन न्यूबॉर्न बेबी। उसके बाद में पैरासीटामोल, द अमाउंट टू स्मॉल टू बी हार्मफुल, ठीक है, पैरासीटामोल की अमाउंट भी हार्मफुल होती है। उसके बाद में एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होती है वो क्लोरोक्विन, क्विनिन, नो एविडेंस ऑफ फीटल टॉक्सिसिटी इन थेरेप्यूटिक डोजेस, बेनिफिट आउटवेट एट द रिस्क, ठीक है। उसके बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑडिटरी और वेस्टिबुलर डैमेज। उसके बाद में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम करते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड मतलब पेरिफेरल वास्कुलर कोलैप्स करते हैं। क्लोराम्फेनिकोल्स क्या करते हैं, डेंटल डिस्कलरेशन येलोइस या डिफॉर्मेटी करते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ बोनी ग्रोथ शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, इनहिबिशन बोनी ग्रोथ करते हैं। क्यूनोनोलोन क्या करते हैं, आर्थ्रोपैथी ऑफ एनिमल स्टडीज, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड क्या करते हैं, नियोनेटल हीमोलाइसिस, जॉन्डिस एंड कर्निक टेरस, ठीक है। नाइट्रोफुरेंटोइन क्या करते हैं, हीमोलाइसिस इन न्यूबॉर्न विद G6PD डिफिशियंसी, इट इज यूज एट टर्म, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कुछ मैटरनल ड्रग इनटेक एंड ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ड्रग थ्रू ब्रेस्ट मिल्क डिपेंडिंग ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, इन फैक्टर्स की वजह से ब्रेस्ट मिल्क के दौरान भी ड्रग ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण, मोलिकुलर वेट के कारण, है ना, ड्रग्स की मतलब ड्रग्स की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हो या फिर मोलिकुलर वेट उसका कम हो तो वो ट्रांसफ़र हो सकती है। डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग या फिर आयनिक डिसोसिएशन,
लिपिड सोल्युबिलिटी, टिश्यू पीएच, ड्रग कंसंट्रेशन एंड एक्सपोजर टाइम। उसके बाद में ड्रग आइडेंटिफाइड एज हैविंग इफेक्ट ऑन लैक्टेशन एंड द नियोनेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड क्या करते हैं, रेसेस, ड्राउनिस एंड पुअर फीडिंग। ठीक है, आयोडाइड में क्या करते हैं, नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म करती है। क्लोराम्प ये सब क्या करती है ड्रग, जब फीटस लैक्टेटिंग है, मतलब जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क कर रहा है उस दौरान अगर मदर ये सब ड्रग्स लेती हैं तो उनका फिटस पे या न्यूनेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं ना। तो ब्रोमाइड, रेसेस, ड्रोजिंग, पुअर फीडिंग, आयोडाइड, न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म, क्लोराम, फेनिकोल, बोन मेरो टॉक्सिसिटी। ओरल पिल्स क्या करती हैं, सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन करती हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करती हैं, सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन करती हैं। इरगोट क्या करती है, सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन करती हैं। मेट्रोनिडाजोल एनोरेक्सिया, ब्लड डिस्क्रेशिया, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर्स करती है। एंटी कन्वल्जेंट क्या करती है, हेमरेजिक टेंडेंसी लाती हैं। आयोनाइज्ड क्या करती है, एंटी डीएनए एक्टिविटी एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी करती हैं। एंटी थायरॉयड ड्रग्स एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गोइटर एग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, उसके बाद डाइजेपाम, ओपियोड्स, फिनोबार्बिटोन, सिडेटिव इफेक्ट विद पुअर रिफ्लेक्स। उसके बाद में नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब नर्सिंग की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वो देखते हैं। सबसे पहले है मेडिसिन प्रॉपर स्टोरेज। तो मेडिसिन का प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। ठीक है, तो मेडिसिन प्रॉपर स्टोर होनी चाहिए। जैसे नारकोटिक्स हैं, ओपियोड्स हैं, तो इनको अंडर लॉक में रखना चाहिए, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, कौन सी मेडिसिन कौन सी इन्वायरमेंट में रखनी है, किस टेम्परेचर पे रखनी है, रूम एयर टेम्परेचर पे या फिर रेफ्रिजरेटर पे है या लाइट में है, कैसे रखनी है, तो ये सब नर्सिंग स्टाफ को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है कंट्रोल सब्सटेंस। तो कंट्रोल सब्सटेंस में मतलब वही बात होगी, जैसे नारकोटिक्स वगैरह है तो उनको अंडर लॉक में रखना होता है। ठीक है, उसके बाद में मेडिसिन गिव ओनली बाय डॉक्टर ऑर्डर। जब डॉक्टर के ऑर्डर्स हों तभी मेडिसिन दी जाती है, अदरवाइज मेडिसिन नहीं दी जाती है। जब डॉक्टर क्लियरली इंडिकेट करता है ड्रग, कौन सी ड्रग है, डोज क्या है, रूट क्या है, डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है उसके। ठीक है, मेडिकेशन चार्ट प्रॉपर मेंटेन। मेडिकेशन जो चार्ट होता है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, उसमें ड्रग का नाम, ईच ड्रग इंडिकेटर, डेट, पेशेंट बेड नंबर, ड्रग नेम, पेशेंट नेम, डोज, रूट, शेड्यूल, ड्यूरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब रिकॉर्ड होना चाहिए उसमें। उसके बाद में नो अबाउट द मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए सब चीज़। ठीक है, कि लिक्विड मेडिसिन है तो उसको वेल शेक करें अच्छे से लगाने देने से पहले, तो ये सब हमको पता होने चाहिए। ठीक है, नेचर, एक्शन, नेचर क्या है ड्रग का, एक्शन क्या है, यूज क्या है, डोज क्या, इंडिकेटर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है ड्रग के, तो ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, अवॉइड इंटरप्शन वाइल प्रिपेयरिंग द ड्रग। जब ड्रग को प्रिपेयर करते हैं तो उस समय किसी भी अननेसेसरी इंटरप्शन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ताकि ड्रग को प्रिपेयर करने में कोई गलती ना हो। उसके बाद में रीड एंड चेक द लेबल। लेबल को अच्छे से रीड एंड चेक करना चाहिए, मेडिसिन के लेबल को 3 times। ठीक है, कब 3 times, कब, बिफोर टेकिंग फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ से लेने से पहले, बिफोर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर करने से पहले, एंड बिफोर रिटर्निंग टू द सेल्फ। ठीक है, सेल्फ में रखने से पहले चेक करना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद में पेशेंट मस्ट बी आइडेंटिफाइड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग। उसके बाद में प्रॉपर जो पेशेंट है उसको करेक्ट आइडेंटिफाइड करना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब पेशेंट का नेम उसे पूछना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन बैंड पे उसका देखना चाहिए। ठीक है, उसको पेशेंट को उसके नाम से बुलाना चाहिए, उसको पूछना चाहिए उसका नाम। ठीक है, उसके जो 10 rights of medication हैं वो पूछने चाहिए, वो पता होने चाहिए हमको। ठीक है, उसके बाद में नो अबाउट
पेशेंट राइट, तो पेशेंट राइट तो मैंने बता दिया 10 राइट होते हैं पेशेंट के, वो पता होने चाहिए हमको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन यूज की जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेम, एक्शन ऑफ ड्रग्स टेकिंग, उसके बाद में ये सब भी पता होने चाहिए। मेडिसिन आल्सो रिफ्यूज, मतलब पेशेंट अगर रिफ्यूज़ कर रहा है मेडिसिन तो उसको नहीं दी जाती है, ठीक है, डॉक्टर से काउंसिल की जाती है, तो ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद मेडिसिन शुड बी गिवन राइट टाइम, तो जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है मेडिसिन उसी टाइम पे मेडिसिन दी जानी चाहिए, ठीक है, या फिर उसके विद इन 30 मिनट के अंदर भी दी जा सकती है, ठीक है। और कुछ मेडिसिन ऐसे लिखी जाती है एवरी हावरली, एवरी 2 hourly, तो उनको टाइम टू टाइम दिया जाना चाहिए। उसके बाद में रिकॉर्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जब मेडिसिन को मतलब दी जाती है उसके बाद में उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए मेडिकेशन का। उसके बाद में इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस क्या है वो अच्छे से इवैल्यूएट कर लेना चाहिए, क्या इफेक्टिव हो रही है, होगी नहीं हो रही, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है मेडिसिन का, ठीक है, तो वो हमको इवैल्यूएट कर लेना चाहिए विद इन 10 to 20 मिनट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी अदर कुछ और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मेडिसिन को हाथ से टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक्सेसिव अगर मेडिसिन निकल गई है बाहर तो उसको वापस बोतल में नहीं डालना चाहिए, तो कंटामिनेटेड हो सकती है। मेडिसिन कार्ट और मेडिसिन ट्रे शुड बी केप्ट टुगेदर, ठीक है, मेडिसिन शुड बी प्रिपेयर एंड अरेंज एज द डिस्पेंसिंग ऑर्डर, ठीक है, और नेवर लीव मेडिसिन अनअटेंडेंट और सेल्फ ऑफ ड्रग्स अनलॉक्स। तो ये सब हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सिंग स्टाफ की, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ था फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इन ऑब्स्टेट्रिक्स, ओके, थैंक यू।